अब कहाँ जा रहा है? नींबू का अचार बनाने। यार गाइस सही। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज सुबह हम उठे, हम दोनों का सर काफी दर्द कर रहा था, तो मैं भी सो गई थी और ये भी सो गया था, पर अभी मैं उठ चुकी हूँ और ये सो रहा है और इसे उठना पड़ेगा। और अभी गाइस, जो हमारे घर के पीछे काम हो रहा था, वहां पे गिट्टी उट्टी बिछ गई है। मतलब उसको गिट्टी नहीं कहा जा सकता, वो बड़े बड़े साइज की गिट्टी है, यानी कि पत्थर है। रुक जा तू, बस पार जितना दुष्ट इंसान मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, आप देख लो। पता नहीं क्या हो गया है हाथ में, पता नहीं क्या घुसा है, हड्डी बढ़ रहा है। अच्छा, अगर हड्डी बढ़ता तो हाथ लंबा होता कि नहीं? हड्डी बढ़ता तो हाथ लंबा। गाइस, दादी का पार्ट कैसे जो टीवी देखते देखते बात। गाइस, जैसा कि सिखाऊंगा मोही तो बनाना आप लेमनेड जिसका की गाइस शुरुआत ही हमने बता दिया था कि आज पार्ट आपको सिखाएगा शरबत बनाना, तो वो अभी शुरू कर देगा। अरे वो व्रत वाला नमक है, उसको रखते कुट जाएगा। यार तू गाइस इतनी हरकतें करता है ना कि डांट खाने का काम कर देता है फिर। मतलब गाइस व्रत वाले नमक को नहीं करता, मतलब काला नमक, ब्लैक सॉल्ट। मैंने बोला ये क्या कर रहा है, अच्छे से कर ले। और मैं ये नहीं समझ रही हूँ इसे यहाँ पे लगाने का क्या मतलब है। अगर आपको पेट में गड़बड़ हो सकता है, इसमें पत्थर रहते हैं नमक में, आपको नहीं पता होगा। हाँ, नमक में पत्थर आने लग गए गाइस, आप भी जान लो। आज से आपको दिखा दूंगा ट्यूटोरियल। हाँ ठीक है फिर गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि नमक कम नहीं है। नहीं ठीक है। तो अभी क्या कर रहा है, क्या कर क्या रहा है? हाथ वाथ धोया तो क्यों सीधे? देखिए सब पत्थर है, ये सब नहीं गिर पाया गाइस। कहाँ, मुझे नहीं दिख रहा है, ये सब पत्थर है गाइस, तेरे हाथ ही में लगा हुआ है सब। नमक कहाँ गया भाई, नमक कहाँ गया? बेसिकली गाइस बात कर चुका है पोपट गाइस, क्योंकि ये गीला था और इसे सूखी चाय की सब्जी लेनी थी, तो फिर से ये शुरुआत से करेगा ये। बिना किसी बात की देरी के, बिना किसी और बात पे ध्यान देते हुए पार्ट ने फिर से व्रत वाला नमक डाल दिया है और फिर से ये खाला नमक भी डाल दिया। काला ठीक है काला। अरे यार हो गया गाइस, अरे हड़बड़ी में बोल दिया क्योंकि अब ये फास्ट फास्ट ये सारा काम कर रहा है। पहले तो काफी स्लोली बता रहा था, पर इसका इतना बड़ा पोपट जो हो गया, तो अभी ये फिर से बताया। इसमें पत्थर होगा इसलिए आपको छानना पड़ेगा, इससे मैं पत्थर होगा गाइस, आपको पत्थरी ना हो जाए इसलिए इसको छनवाया पार्ट। क्यों पार्ट, मुंह दिखा दे अपना। अभी ये छानते छानते नीचे भी कुछ नमक गिरा ही दिया होगा और ये इधर इतना नमक आया और ये जो पत्थर प्रूव कर रहा है, मुझे तो नहीं लगता है कोई पत्थर होने वाला है। और अभी देखते हैं इतने नमक में से कैसे ये पत्थर निकालता है। मुझे लगता है कि गल जाएगा, मुझे लगता है कि ये कुछ टाइम तक ऐसे रख, थोड़ा काला हो तो गया। देखिए ये नहीं मिल रहा गाइस, असली नमक कितने में मिल जाता है, पत्थर पे गाइस कुछ कुछ पार्ट बेसिकली नहीं मिला है, और तो कुछ देर और करने में मिल जाएगा मेरे हिसाब से। गाइस पार्ट को करनी अपनी वाली होती है, अभी ये इसमें क्या डालने वाला है, चीनी डालेगा। चीनी के डिब्बे में जितना चीनी आपको डाल देना है, चीनी के डिब्बे में जितना चीनी हो। वाह भाई हमारे यहाँ का इतना गाइस, यही पहले बना के खत्म किए। गाइस अभी इसे और चीनी मिला है डालने के लिए, और ये अभी तब तक ये दो कर लिया अपना कारनामा, इसमें भी थोड़ा घुल रहा है और इसमें भी, क्योंकि एक ये वाला हम पियेंगे जब आप आ जाएंगे तब, ड्यूटी से, और ये वाला अभी हम लोग जस्ट पीने वाले हैं। तो देखते हैं पार्ट कितना गंदा शरबत बनाता है। खैर आपको भी सिखा रहा है आज, अच्छा बनाता है वैसे गाइस ये शरबत। ये क्या हरकते हैं, क्या हरकते हैं, ऐसे कौन बनाता है? दादी कैसा बना, जल्दी बताओ दादी, दादी जल्दी, दादी एकदम ये बता दी, दादी पी के, दादी पी के, दादी पी के, बहुत बढ़िया। अब तू गाइस खुद घटक। सो गाइस अभी पार्ट अपना हॉलीडे होमवर्क करना शुरू कर दिया। मैं याद कर रहा हूँ, इतना बोलेगी जब तक मैं पूरा भूल ना जाऊँ। गाइस ये मैंने हिंदी का सब याद कर लिया कि गाइस सर ने बहुत कुछ दिया मुझे याद। खैर ये सब बातों को देखते हुए किनारे रखते हुए करूंगा, तो इस ब्लॉग को करते हैं एंड।
हाँ। तक ले बा।